अफगानिस्तान में पुले चरखी जेल की गाड़ी को निशाना बनाते हुए हमला किया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में अधिकतर महिलाएं मौजूद थी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नजीब दानिश ने बताया कि हमलावर ने बुधवार तड़के जेल कर्मियों को लेकर जा रही एक बस को निशाना बनाया। विशाल पुले चरखी जेल में कई तालिबानियों सहित सैकड़ों कैदी बंद है। जेल के एक अधिकारी अब्दुल्ला करीमी के मुताबिक हमला जेल के गेट के नजदीक हुआ, जिसमें कई आगंतुक प्रवेश से पहले सख्त सुरक्षा जांच से गुजरने का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले काबुल में सोमवार को अफगान निर्वाचन कार्यकाल को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी जबकि 5 लोग घायल हुए थे। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी।